हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट मेमोरी होती है डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक सिंगल मेमोरी में डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हार्वर्ड आर्किटेक्चर से प्रोसेसिंग स्पीड कम मिलती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोप्रोसेसर के दो अलग अलग आर्किटेक्चर, जिसका नाम है सिस्क आर्किटेक्चर एंड रिस्क प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर सीरीज को कंप्लीट सीखना है या देखना है और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर लेक्चर सीरीज के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्क आर्किटेक्चर। सिस्क आर्किटेक्चर एक माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल मेमोरी होती है, मेमोरी में से डेटा को रीड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन एंड डेटा का पाथ दिया जाता है, उसे कैच मेमोरी में स्टोर किया जाता है और मेन मेमोरी लगी रहती है। सिस्क आर्किटेक्चर में सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या सिस्क का प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट यूज होते हैं और इसी वजह से सिस्क आर्किटेक्चर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से कोई भी यूजर अपने प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस कर सकता है। सिस्क प्रोसेसर आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है और मल्टीपल साइकिल का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पे जो सिस्क प्रोसेसर होते हैं, स्पीड थोड़ी कम मिलती है। यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर का इस्तेमाल भी होता है और ये जो सिस्क रजिस्टर है, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, जिसकी मदद से आप डेटा को मेमोरी में से या प्रोसेसर में से डेटा को मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे बोला जाता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपको माइक्रो कोड का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट है, जिसकी मदद से आप कोड की लेंथ रिड्यूस कर सकते हो। ये जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, इसमें नंबर ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं। ये एड्रेसिंग मोड क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। सिस्क आर्किटेक्चर के एग्जांपल देखें तो इंटेल x86 एंड मोटोरोला 68000 इस टाइप के माइक्रोप्रोसेसर है। अभी चलिए देखते हैं कि रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है। रिस्क आर्किटेक्चर में एक हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको डेटा पाथ से डेटा कैच एंड मेन मेमोरी से जोड़ा जाता है। मेन मेमोरी में से डेटा इंस्ट्रक्शन कैच के थ्रू ट्रांसफर होता है हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट से। ये जो रिस्क आर्किटेक्चर है, इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यानी कि जो सिस्क आर्किटेक्चर थे, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा मिलते थे और उसी की वजह से प्रोग्रामर को या यूजर को प्रोग्रामिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन याद रखने पड़ते थे। तो यहाँ पे इसे रिड्यूस कर दिया गया है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को कम कर दिया गया है और इसी वजह से यहाँ पे लिमिटेड एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। जब हमने सिस्क आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि उसमें बहुत ही कम जनरल पर्पस रजिस्टर यूज करने मिलते हैं, जबकि रिस्क आर्किटेक्चर में हमें लार्ज नंबर ऑफ GPR यूज करने मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे स्पीड ज्यादा मिलती है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, वो फिक्स साइज के होते हैं और इसी वजह से यहाँ पे वन इंस्ट्रक्शन पर मशीन साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है और सिंपल एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं। रिस्क आर्किटेक्चर में सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स विथ फिक्स इंस्ट्रक्शन लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यूजर को प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम सिस्क प्रोसेसर के एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें, तो मोस्ट ऑफ जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, उसमें
रिस्क प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आर्म प्रोसेसर है, 8 मेल के है, 8051 है, AVR है या PIC माइक्रोकंट्रोलर है, इन सभी में RISC आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट CISC एंड RISC आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपको एक डिफरेंस बनाना है तो इन दोनों स्लाइड को जोड़ के आप एक CISC एंड RISC आर्किटेक्चर का डिफरेंस बना सकते हो। और यही हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। फर्स्ट चैप्टर हमारा था माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही वो इस लेक्चर सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।